इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में ट्यूबुलर पोल का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट फिटिंग के लिए किया जाता है। तो इस ट्यूबुलर स्ट्रीट लाइट पोल को कैसे रिकंडीशन किया जाता है उसके बारे में आज हम इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर में जानेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SBZ Anath। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ट्यूबुलर पोल को रिकंडीशन करने के लिए पहले पोल को पेंट किया जाता है। ट्यूबुलर पोल को पेंट करने के लिए पहले पोल को रेड ऑक्साइड से पेंट किया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पेंट के माध्यम से पोल को पेंट किया जाता है और ये जो रेस्ट वो येलो कलर पेंट के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। ट्यूबुलर पोल में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को प्रोवाइड किया जाता है वो यूजी केबल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है और पोल के अंदर से ट्विन कोर केबल के माध्यम से LED स्ट्रीट लाइट को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया जाता है। ट्यूबुलर पोल के साथ इलेक्ट्रिक केबल या फिर यूजी केबल को कनेक्ट करने के लिए पहले ट्रेंच किया जाता है और इस ट्रेंच में 25 mm स्क्वायर का यूजी केबल को लिंक किया जाता है और ट्यूबुलर पोल के साथ कनेक्ट किया जाता है। जिसके बाद ट्विन कोर सर्विस वायर के माध्यम से स्ट्रीट लाइट तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहुंचाया जाता है। ये जो ट्यूबुलर इलेक्ट्रिकल पोल है उसका जो बेस है उसे रिकंडीशन किया जाता है या फिर वो जो प्लिंथ है उसे दोबारा बनाया जाता है ताकि जो बेस है वो स्ट्रांगली रह सके। ट्यूबुलर पोल का बेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर उसका प्लिंथ को दोबारा बनाने के लिए 2 फीट का सीमेंट कंक्रीट करना पड़ता है और जो साइज है उसका वो है 50 cm × 50 cm या फिर 0.5 m × 0.5 m। ट्यूबुलर पोल का प्लिंथ को सीमेंट कंक्रीटिंग करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है और ये जो बॉक्स लगा है वहाँ पे यूजी केबल को कनेक्ट किया जाएगा या फिर यूजी केबल का जो कनेक्शन है वो इसके अंदर किया जाएगा और बीच बीच में सर्विस किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर में आज हमने जाना कि एक इलेक्ट्रिकल ट्यूबुलर पोल को कैसे रिकंडीशन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर एपिसोड ऑन रिकंडीशन ऑफ ट्यूबुलर इलेक्ट्रिक पोल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आस्क मी बाय कमेंट विथ प्रीफिक्स #SBZAnath। For knowledgeable videos and blog, you can check the link in the description. And for more videos related with electrical architecture, you can click on icons and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Electrical Architecture. Thank you.